23 अगस्त 2023 को 6:04 पर इसरो ने चांद के उस अंधेरे यानी डार्क साइड रीजन में कदम रखकर पूरी दुनिया की स्पेस हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। बॉलीवुड मूवीज से भी कम बजट में इसरो ने वो कर दिखाया जिसे रशिया की हाई बजट स्पेस एजेंसी भी नहीं कर पाई। रशिया छोड़ो, नासा भी पिछले 40 सालों में चांद पर नहीं जा पाया। चांद में पहले कदम रखने वाले इंसान भले ही नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन क्यों ना हो, लेकिन इसके 10 साल पहले ही यानी 12 सितंबर 1959 को सोवियत ऑलरेडी चांद पर पहुंच चुका था लूना 2 के साथ। ठीक उसी तरह लूना 25 रशिया के लिए एक अहम मिशन था, क्योंकि रशिया ने आखिरी बार 18 अगस्त 1976 को चांद पर लूना 24 के साथ पहुंचा था। फिर लगभग 50 साल हो गए और अब जाकर उसका नेक्स्ट वर्जन यानी लूना 25 इस बार क्रैश हो गया। लेकिन आखिर इसके साथ क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। लूना 25 जो कि 21 अगस्त को चांद पर लैंड करने वाला था, उसके दो दिन पहले यानी 19 अगस्त शाम के 5:27 को रॉसकॉस्मोस ने लूना 25 के लैंडर को एक सिग्नल भेजता है, जिससे लूना 25 अपने थ्रस्टर को फायर कर सके और 18/100 किलोमीटर के प्री लैंडिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट पे इंसर्ट कर पाए। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये थ्रस्टर उसके तय किए हुए फायर से देर गुना ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से इस पिक्चर में मार्क किया गया लैंडिंग साइट पर लूना 25 ना जाकर थ्रस्टर के ज्यादा फोर्स की वजह से पहले ही क्रैश हो गया। हालांकि 19 से 20 अगस्त के टाइम तक रॉसकॉस्मोस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लूना 25 के साथ हुआ क्या है। वो लगातार इसे संपर्क करने की कोशिश करते गए, मगर 20 अगस्त रॉसकॉस्मोस का ऑफिशियल बयान आया जिसके अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी क्रैश कर चुका था। लूना 25 का क्रैश देखकर सबको चंद्रयान 2 का दर्द भरा पल याद आ गया, मगर चंद्रयान 2 के फेलियर का मेन रीजन फाइनली 4 साल बाद इसरो के डायरेक्टर ने रिवील कर दिया। तो 22 जुलाई चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद 2 सितंबर को ही अपने लैंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका था, और विक्रम लैंडर अपने रोवर के साथ चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से अलग होते होते 7 सितंबर को ये अपने लैंडिंग के लिए फाइनली प्रिपेयर हो जाता है। इस वक्त तक सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब विक्रम लैंडर चांद के 2/35 किलोमीटर एलिप्टिकल ऑर्बिट में था, तभी अचानक इसरो से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। अब इसके बाद आखिर क्या हुआ, चलिए जानते हैं। तो चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर के लिए टोटल 3 फेजेस थे, रफ ब्रेकिंग फेज, कैमरा कोस्टिंग फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज। यहाँ पर दिखाई देने वाली येलो कलर का लाइन विक्रम लैंडर का प्लैंड पाथ था, जबकि रेड डॉटेड लाइन इसका एक्चुअल पाथ दिखा रहा था। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान विक्रम लैंडर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे कैमरा कोस्टिंग फेज में ये लैंडर घुसता है उसी वक्त इसमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया, और इसी जगह पे इसरो से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। और बाद में पता चला कैमरा कोस्टिंग फेज क्रॉस करने के बाद ही फाइन ब्रेकिंग फेज में इसका क्रैश लैंडिंग हो गया, जो लैंडिंग साइट से बस 500 मीटर की दूरी पर था। जब चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिट से अलग हुआ, तो इसके प्रोग्रामिंग में कई सारे टास्क एक साथ डाले गए थे, जैसे अपने थ्रस्टर वेलोसिटी और रोटेशन को ठीक रखते हुए सेफ लैंडिंग करना इसमें शामिल था। लेकिन इसरो द्वारा विक्रम लैंडर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम में कई रेस्ट्रिक्शन भी थे। इसरो डायरेक्टर के मुताबिक विक्रम लैंडर के प्रोग्राम में दो सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी, जिसमें से पहला मिस्टेक था विक्रम लैंडर के पास कैमरा पोस्टिंग फेज में थ्रस्ट कंट्रोल करके अपने ट्रैजेक्टरी पाथ को सही करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, जिसके कारण कैमरा पोस्टिंग फेज में जब विक्रम लैंडर का स्पीड बढ़ गया, तब इस प्रोग्राम की रेस्ट्रिक्शन की वजह से विक्रम लैंडर अपना स्पीड स्लो डाउन नहीं कर पाया। हालांकि इसके बाद भी विक्रम लैंडर के पास एक मौका और था कि इसे रोटेट करके अपने स्पीड को कम कर सके, लेकिन यहां पर इसरो से गलती हो गई। जहां विक्रम लैंडर पे रोटेशनल रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया, वहां ये रोटेशनल स्पीड 10 डिग्री पर सेकंड था, जो इतना कम था कि अचानक बढ़ते हुए स्पीड को ये कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर इसरो के साथ विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया और ये लैंडिंग साइट को मिस कर गया। लैंडिंग साइट मिस करने के बाद लैंडर में और कोई कमांड न होने के कारण ये क्रैश हो गया। लेकिन इस गलती को सुधारा गया चंद्रयान 3 के प्रोग्राम में, जहां पूरा थ्रस्टिंग कंट्रोल लैंडर को दे दिया गया, जिससे खुद अपने स्पीड को कंट्रोल कर पाए। और दूसरा इम्प्रूवमेंट ये था कि अगर ये अपने लैंडिंग साइट मिस भी कर देता, तब भी इसके ऊपर ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि ये खुद ही अपनी लैंडिंग साइट ढूंढ के अपने आप ही लैंड कर जाता। 14 जुलाई 2:35 पर 4 साल बाद चंद्रयान 2 में हुए गलतियों से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ये मिशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ इसरो चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश और साउथ पोल में लैंड करने वाला दूसरा देश बन गया। फिर 5 अगस्त को ये लूनर ऑर्बिट में घुसते ही चंद्रयान 3 ने चांद का एक वीडियो भी भेजा, और 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होकर चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करता है। अगर चांद के साउथ पोल रीजन की बात करें, तो 3 जनवरी 2019 को चाइना ने चांगी 4 के साथ मून के साउथ पोल रीजन में लैंड कर चुका है।
लेकिन चैंगी 4 और चंद्रयान 3 इनमें से कोई भी चांद के 90 डिग्री साउथ पोल में लैंड नहीं किया था, बल्कि पहली बार इंडिया ने ही 14 नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 के साथ यहां पर लैंड कर चुका है, वो भी बिल्कुल साउथ पोल के 90 डिग्री पर। मगर ये हार्ड लैंडिंग था। चंद्रयान 3 चाइना के चैंगी 4 के मुकाबले साउथ पोल के ज्यादा करीब लैंड किया था, जो अपने आप में ही एक अनोखा रिकॉर्ड है। चंद्रयान 3 जहाँ 69 डिग्री साउथ में लैंड किया, वही चैंगी 4 का लैंडिंग साइट 45 डिग्री साउथ पे था। साउथ पोल रीजन में लैंड करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इसराइल का बेयरशीट लैंडर, जापान के हकुटो 8, इंडिया का चंद्रयान 2 और रशिया का लूना 25, ये सब पिछले 4 साल में इतने सारे लैंडिंग चांद के साउथ पोल रीजन में फेल हुआ। लेकिन जहाँ चंद्रयान 3 को 40 दिन लगा चांद पर पहुँचने में, तो वही रशिया द्वारा भेजे गए लूना 25 सिर्फ 11 दिन में ही चांद में पहुँच गया। अब इतने कम टाइम में चांद पर पहुँचने का सीक्रेट छिपा है इसके बजट में। जहाँ चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ है, तो वही पर लूना 25 का बजट लगभग 1600 करोड़ है। जहाँ चंद्रयान 3 अपना फ्यूल बचाते हुए ग्रेविटी के सहारे लंबे दिनों की जर्नी तय करके चांद पर पहुँचता है, तो वही लूना 25 ज्यादा फ्यूल की मदद से कम रास्ता तय करके चांद पर कम दिनों में पहुँचने वाला था, बट बदकिस्मती से ये मिशन फेल हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट लूना 25 से अलग है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें दिखाई दे रहा 69 डिग्री साउथ और 43 डिग्री ईस्ट जो लूना 25 का लैंडिंग साइट है, वही 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट है चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट, और इन दोनों के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है। अगर आप चांद के सनराइज को नोटिस करते हो, तो वो राइट टू लेफ्ट होता है, यानी लूना 25 की लोकेशन पे सबसे पहले सनराइज हुआ होगा। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसमें सनराइज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर है, इसीलिए लैंडर को दिन के समय में ही अपनी सारी एक्सपेरिमेंट्स और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से चलता है। इसलिए चंद्रयान 3 का रोवर अगले 14 दिनों तक काम करेगा, और रात के समय चांद बहुत ठंडा हो जाता है, जिसके कारण ये लैंडर काम करना बंद कर देगा। हालांकि लूना 25 के पास रेडियो आइसोटोप पावर जनरेटर था, ये चीज इसको रात के ठंड के दौरान बचाए रखता, और एक सालों तक ये लैंडर चांद के सरफेस को एक्सप्लोर कर लेता। मगर लूना 25 के पास कोई रोवर नहीं था, वही विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भेजा गया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।